बीआरटीएस में एक चलती बस में आग लग गई और आग लगने के कारण धुएं की दुर्गंध आने पर बस में सवार लोग घबरा गए। अचानक हुई इस घटना के बाद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बस का गेट बंद था। कांच खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन कांच नहीं खुले। इसके बाद लोगों ने बस का कांच फोड़ा और कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि AICTL अफसरों ने किसी भी हादसे से इनकार किया है, कहा है कि बस में कोई आग नहीं लगी, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यह घटना गुरुवार को प्रेस कॉम्प्लेक्स के समीप बीआरटीएस पर हुई। बस EMIG चौराहे से विजयनगर चौराहे की तरफ जा रही थी। बस स्टॉप से कुछ मीटर आगे बढ़ते ही बस में अचानक आग और धुएं की दुर्गंध आने पर बस में सवार यात्री घबरा गए। बस में हड़कंप की स्थिति भी बन गई। इस मामले में AICTL CEO संदीप सोनी का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन लगाया गया, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। PRO माला ठाकुर ने कहा कि बस में आग नहीं लगी थी, बस पूरी तरह सुरक्षित है और उसके सभी पार्ट्स काम कर रहे हैं।